हाँ तो भाई कैसे हो सभी। अब देखो यार, हनी पाजी का जो फोर्थ ट्रैक आने वाला है सैविज, जिसका टीजर गलती से लीक हो गया था, फिर उनको मजबूरी में जो है ऑफिशियली टीजर भी ड्रॉप करना पड़ा था। लगभग 6-7 दिन पहले ये टीजर आ गया था, लेकिन रिलीज डेट के साथ नहीं आया था। तो अभी फैंस यही सोच रहे थे कि जो 15 तारीख है ना आने वाली, उसमें हनी पाजी का ट्रैक डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और बाकी बैकग्राउंड में अगर नॉइज आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि बारिश हो रही है। हाँ, बाकी मैं ये कह रहा था कि जो रिलीज डेट है अभी तक फैंस को नहीं पता। तो अब ऐसा सीन कि जो लेट्स क्रेडिट पाली ट्रैक था ना, उस पर तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा गलतियां करी थी। म्यूजिक लेवल ने वो जो है 15 की जगह 18 तारीख को निकाला था। तो अब अपन यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट ट्रैक है ना सैविज, वो मे भी अपन को 18 तारीख तक देखने को मिले। हाँ, और लेकिन एक बात याद और रखना, टीज़र आने से पहले अपन को कवर आर्ट देखने को मिलता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हो गया, टीज़र पहले आ गया था। तो अपन को जो है ट्रैक आने से पहले रिलीज डेट पता चलेगी, वो भी कवर आर्ट के थ्रू, तो वो अपन को जल्दी देखने को मिल सकता है। तो अभी ज़्यादा हाईली चांसेस बनते हैं कि भाई 18 तारीख तक सैविज ट्रैक आ जाएगा, हनी 3.0 एल्बम का फोर्थ ट्रैक। अच्छा, और बाकी इसके अलावा अपने यहाँ पे जो टॉप इंडियन रैपर्स हैं उनकी जो नेटवर्थ है ना, आपके सामने है। हनी पाजी टॉप पे हैं भाई, वो हर चीज़ में टॉप पे रहते हैं। देख सकते हो भाई, 280 करोड़ उनकी नेटवर्थ है। मतलब यार क्या ही खतरनाक पैसा है हनी पाजी के पास, अंधा पैसा छाप रहे हैं वो। बाकी चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर फैन हो हनी पाजी के, बातचीत होने के बारे में होती है। बाय।